हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मकान बनाने के संबंधित एक प्रमुख जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि आपका दीवार काफ़ी मजबूत हो जाएगा और कॉलम भी। जैसा कि आप देखते हैं, मकान बनते हुए देखे होंगे कि पहले जो ये कॉलम है, ये पहले भर देते हैं, उसके बाद दीवार लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि दीवार से और पिलर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये जब भर जाता है तो बिल्कुल चिकना होता है, और दीवार लगाते हैं तो इससे और इससे, मतलब दीवार से और कॉलम से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो दीवार है, यहाँ से क्रेक होने का पूरा डर रहता है। डर क्या, बल्कि वो मतलब प्लास्टर के बाद भी यहाँ दरार सी आ ही जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको उससे बचने के एक तरीका बताता हूँ कि जो ये पिलर है वो आप पहले ना भरें। यह देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिलर खड़ा है, यह देखिए। उसके बाद इधर से दोनों तरफ से चुनाई किया हुआ है, दीवार लगाई हुई है। उसके बाद आपको खास कर एक और ध्यान देना है कि दीवार और कॉलम दोनों को मजबूत करने के लिए क्या करना है आपको। देखिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, ये रिंग है, लेकिन ये जो है बीच दीवार से सरिया दिया हुआ है। देखिए, ये सरिया कहाँ तक है, मतलब एक फुट आगे तक यहाँ तक है ये सरिया, और फिर कॉलम के बीच से, ये देखिए, यहाँ के बीच से निकला है, और फिर ये यहाँ से बीच से जाते हुए ये यहाँ तक सरिया है। ये देखिए, यहाँ तक सरिया दिया हुआ है। तो ये क्या हुआ है, कॉलम के बीच से जा करके दीवार और कॉलम दोनों को अटैच कर दिया है। अटैच करने से क्या हुआ है कि आपका दीवार और कॉलम दोनों काफ़ी मजबूत हो जाएगा। इतना आप भी सोच सकते हैं कि जब ये कॉलम के बीच से सरिया चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये दीवार और कॉलम दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो इसको अलग करने वाला कोई नहीं होगा। मतलब यहाँ है जो प्लास्टर के बाद ये दरार सी आ जाती है, वो बिल्कुल 100% किसी भी कीमत पे नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये वाला जो आपको सरिया जो दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको इसको देना कितना है, तो जैसे हर दो फुट पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन के बाद दिया हुआ है, मतलब 7 लाइन में ये लगभग 2 फुट हो जाता है। उसके बाद ठीक 1 2 3 4 5 6 7 के बाद फिर दिया हुआ है, ये देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे फिर दिया हुआ है, ये भी इसी तरह गया हुआ है। ये देखिए, सरिया यहाँ से गया हुआ और यहाँ तक है, और फिर ये सरिया यहाँ तक है। मतलब कॉलम के बीच से सरिया आपको 1 फुट इधर और 1 फुट इधर, मतलब दोनों साइड 1-1 फुट जाने देना और कॉलम के बीच से जाने देना। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये देखिए, और एक चीज़ आपको सावधानी रखना है कि जैसे आपका जो कॉलम, जैसे ये एक साइड ज़्यादा हो, एक साइड कम हो, तो ऐसा ना हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये सरिया दिया हुआ है, देखिए, सरिया के साथ ये तार से, बेंडिंग वायर से ये बंधा हुआ है। ये देखिए, जैसा कि अब आपको जैसे मैंने कॉलम अभी भरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको हिला के देखेंगे, बिल्कुल नहीं हिलेगा। ये देखिए, बिल्कुल नहीं, ये इसको बीच में हमने सेंटर में जाम कर दिया है। तो वो जो सरिया हम बीच में डालते हैं, उससे जाम करने का भी ये एक सरल उपाय है। ये देखिए, ये तार से बंधा हुआ, ये देखिए, तो ये कॉलम जो है सरिया का साथ अटैच हो गया है। तो इससे क्या होगा, आपका जो दीवार है और कॉलम दोनों मजबूत, इतना मजबूत हो जाएगा कि कभी यहाँ पे दरार नहीं आएगा भविष्य में भी, और कभी भी इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।